नीतीश कुमार के बेहद खास ललन सिंह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में होगी। बिहार के लिए ऐसा काम जो बिहार हमेशा याद रखेगा। बताते चले बापू कि 10 से 12 सितंबर तक बिहार में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और इस इनिशिएटिव के तहत 27 राज्यों के प्रतिनिधि बिहार आएंगे। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से जो जो काम किए गए हैं उसे प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा और उसके आधार पर पंचायतों का सतत विकास किया जाएगा। बताते चले हम आपको कि पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हम 2 दिनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जिसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री ललन सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार में होगा और 2 दिन के इस कार्यक्रम में 27 राज्यों के प्रतिनिधि, लगभग 800 प्रतिनिधि बिहार आ रहे हैं और बिहार में वो अपने अपने इनिशिएटिव को रखेंगे। उन्होंने अपने राज्य में किस तरीके से अपने पंचायत का सतत विकास किया है, पंचायत में कैसे महिला हितैषी गुण अपनाए गए हैं, महिलाओं के लिए बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, ये तमाम बातें बतानी होंगी। उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा और उसी के आधार पर अगर किसी राज्य को वो इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो वो राज्य भी उस इनिशिएटिव को अपनाएंगे। इसके अलावा ये कार्यशाला कई सारे राज्यों में अब तक हो चुका है जिसमें पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र ये तमाम राज्य हैं, लेकिन इस बार ये इनिशिएटिव बिहार में लिया गया है और पंचायती राज मंत्रालय के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन इस बार बिहार में किया गया है। बताते चले हम आपको कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय की ओर से अब तक जिन राज्यों में ये हुआ है उन राज्यों के भी प्रतिनिधि बिहार में आएंगे। अलग अलग थीम पर इन राज्यों में हुआ, इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश शामिल है। 6 थीमों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत वाले 7वीं थीम पर पटना में कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। उस दौरान विभिन्न राज्यों में किए जा रहे बेहतर और नवाचारी प्रयोगों को एक दूसरे से शेयर किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन होगा। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा सहित 4-5 मुद्दों पर परिचर्चा भी होनी है। गरीब मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत पर परिचर्चा होनी है। इसके अलावा विभाग का मानना है कि पंचायतों में विकास की चुनौतियां बहुआयामी है। इसमें बहुआयामी गरीबी, जन स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता, पेयजल, स्वच्छता और सफाई के अलावा पर्यावरण की रक्षा प्रमुख है। आजीविका का साधनों के विकास की भी चुनौती है। पंचायतों के सतत विकास के लिए इन सभी पहलुओं पर उपलब्धि आवश्यक है और इसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए पंचायतों में जो विकास की गुंजाइश है उस गुंजाइश को पूरा करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन इस बार बिहार में किया गया है। इस कार्यशाला को 2 दिनों तक किया जाएगा और इस कार्यक्रम में लगभग 27 राज्यों के प्रतिनिधि, 800 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अपने अपने पंचायत में किस तरीके से उन्होंने काम किया है उसका वीडियो प्रेजेंटेशन किया जाएगा और बिहार के लिए आने वाले समय में ये बेहद महत्वपूर्ण काम साबित हो सकता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।